हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि नेचुरल स्टार नानी की दशहरा मूवी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, और जैसे कि आप सबको पता है कि गाइस ये एक पैन इंडिया मूवी थी और इसलिए इसको मैंने हिंदी में देखा है। तो चलिए गाइस, आज बात करते हैं कि ये मूवी आपको देखनी चाहिए कि गाइस। मूवी की बात करते हैं जिसकी स्टार कास्ट में है नेचुरल स्टार नानी, कीर्ति सुरेश और शाइन टॉम चेक जो कि विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो गाइस बात करते हैं, और ये गाइस एक गांव की जिसका नाम है वीरलापल्ली, जो कि कोयले से भरा हुआ है, मतलब कोयले की माइनों से भरा हुआ है, और उसके पास आसपास इतनी माइने हैं कि उसकी वजह से वहां के लोगों का रंग काला हो ही गया है, लेकिन वहां मिट्टी भी काली हो चुकी है गाइस, जिसकी वजह से गाइस इसकी स्टोरी कोयले की माइंस पर या कोयले पर बिल्कुल भी नहीं है। इसकी स्टोरी एक अलग ही वे पे चलती है। अगर फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ गाइस स्टार्ट होता है इसकी स्टोरी से, नरेशन बिल्ड करता है और आपको कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे और आपको स्टोरी में बताया जाएगा कि स्टोरी क्या होने वाली है। और गाइस अगर बात करें फर्स्ट हाफ के थोड़ा पहले, इंटरवल के थोड़ा पहले 10 मिनट एक फाइट आती है गाइस, और वो बहुत ही ब्रूटल और एक रॉ किस्म की फाइट है, जिसमें नानी का लुक और उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जो फाइट दिखाई जाती है, मतलब बिल्कुल ही आपके रोंगटे खड़े कर देगी और एक थ्रिलर फाइट। गाइस अगर बात करें कि इस फिल्म में सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स गाइस इस फिल्म में मेरे हिसाब से 4-5 सॉन्ग है, जो कि मेरे हिसाब से कम हो सकते थे, और इसके सॉन्ग्स को कम करके मतलब 1-2 ही होते तो शायद बहुत ही ज्यादा मजा आता, क्योंकि सॉन्ग ऐसी इस फिल्मों में मतलब इस जैसी फिल्मों में सॉन्ग ज्यादा नहीं होने चाहिए, बल्कि 1-2 सॉन्ग हो तो मेरे हिसाब से काफी। और गाइस अगर बात करें इंटरवल के बाद की, तो गाइस इंटरवल इस मूवी का ऐसा है ना कि ऐसा जबरदस्त इंटरवल है जैसे आपको मतलब KGF में और पुष्पा में देखने को मिलेगा ना, ऐसा इंटरवल है, मतलब इससे कहते हैं इंटरवल, मतलब जो कि आपको बॉलीवुड की मूवी किसी भी मूवी में नहीं देखने को मिलेगा। पर चीज ये बिल्कुल ही देसी फिल्म है, बिल्कुल ही रॉ फिल्म है, और कैरेक्टर के आप लुक्स देखो वहाँ पे, उनके बदन पे मिट्टी और मतलब उनका जो डार्क मेकअप है, क्या जबरदस्त मतलब लुक रखा गया है। फील नहीं होगा कि मैं एक मूवी देख रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं रियल में मतलब इस चीज को फील कर रहा हूँ, मैं वहीं पे हूँ, मतलब जहाँ पे ये स्टोरी चल रही है, और काफी अच्छे तरीके से ये मूवी आपके साथ कनेक्ट करती है। जैसे ही इंटरवल इस मूवी का गुजरता है, उसके बाद इस मूवी की स्टोरी मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, उसका रुख बिल्कुल ही चेंज होता है, बिल्कुल ही एक रिवेंज टाइप की स्टोरी बन जाती है। अगर बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस है नानी की। जी हाँ गाइस, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी जो लास्ट मूवी गुजरी थी मतलब श्याम सिंघर है, उसमें उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, लेकिन गाइस मेरे हिसाब से दशहरा मूवी में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है ना गाइस, वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल है गाइस। उनके आप लुक देखो, उनके डायलॉग्स देखो, जैसे वो बोल रहे होते हैं डायलॉग्स, एक्सप्रेशन देखो आप, चाहे गुस्सा हो मतलब चाहे प्यार हो चाहे इमोशन हो, जिस टाइप के भी आप एक्सप्रेशन देखोगे आप उनमें खो जाओगे गाइस, एकदम ही आपको मजा आ जाएगा। बात करें जो कि मतलब विलेन का रोल प्ले करें शाइन टॉम चेक को, मुझे सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस उनकी मजे की, उनको जो विलेन दिखाया गया ऐसा वैशी टाइप का विलेन, एकदम ही हार्ड टाइप का विलेन, डायलॉग्स बोले जाते हैं जिसकी वजह से मतलब हमारे नानी स्टार मतलब जो के हीरो होते हैं वो ऐसे थोड़े से डरे हुए महसूस होते हैं कुछ कुछ जगहों पर, वो बहुत ही जबरदस्त सीन्स हैं देखने। अगर बात करें इस मूवी के एक्शन की, तो गाइस इस मूवी में जो एक्शन दिखाया गया मतलब 2 बड़े एक्शन सीन्स हैं, एक जो इंटरवल के थोड़ा पहले आता है 10 मिनट का, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, बहुत ही जबरदस्त एक्शन सीन है, और वहीं पे एक स्टोरी का ट्विस्ट भी है, इंटरवल भी है, और उसके बाद जो क्लाइमैक्स का जो फाइट सीन है ना गाइस, वो बहुत ही जबरदस्त, जहाँ पे मतलब ट्रेलर में एक सीन दिखाया गया था नानी के मुंह में मतलब ऐसे चक्कू होता है और वो ऐसे खून की बंदी लगा रहे होते हैं, वो जबरदस्त मूवमेंट है गाइस, वो फिल्म में आप जब देखोगे आपको बहुत ही मजा आने वाला है, और क्लाइमैक्स भी काफी अच्छा है। अगर हिंदी डब की बात करें, तो हिंदी डब में इनको आवाज दी है नानी को शरद केलकर सर ने, जो कि इनसे काफी मैच भी कर रही है, मतलब नानी के एक्सप्रेशन और उनकी वॉइस एकदम ही मतलब मैजिक बना रही है गाइस, मैजिक। ओवरऑल इस फिल्म के BGM भी काफी अच्छे हैं, जो कि मतलब सीन्स और शॉट के हिसाब से काफी मैच भी हो रहे हैं। स्टार्टिंग में एक सोशल इशू पर भी मतलब थोड़ा सा फोकस किया जाता है, और वो इशू मतलब फोकस करते मतलब जैसे फिल्म अपनी मेन स्टोरी पे आएगी और जैसी एंडिंग पर आएगी, एंडिंग में उस सोशल इशू एक सोशल मैसेज दिया गया जो कि पॉजिटिव वे में दिया गया, जो कि आपको काफी अच्छा लगा। फाइनल कंक्लूजन की, तो मेरे हिसाब से ये फिल्म काफी अच्छी है, पूरा पैसा वसूल है, और कुछ लोग कह रहे थे कि ये मूवी मतलब पुष्पा की कॉपी है, मतलब हम सब भी कह रहे थे ऐसा लग रहा था मतलब कि ये पुष्पा की कॉपी, पुष्पा 2 आ गई जैसे कि ऐसा लग रहा है, लेकिन गाइस ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ये बिल्कुल भी हटके, आपको एक सीन में आपको 1 मिनट ऐसा नहीं लगेगा कि ये मैं पुष्पा देख रहा हूँ, ये उसकी कॉपी देख रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा मतलब नानी का जो लुक है वो वैसा ही पुष्पा के कैरेक्टर से काफी मैच कर रहा है, लेकिन वैसी स्टोरी बिल्कुल भी इसकी अलग है, और जो प्रेजेंटेशन है, जो डायरेक्शन है, स्क्रीन प्ले है, वो काफी अच्छा है इस फिल्म का, इस वजह से ये फिल्म मुझे काफी अच्छी लगी। तो आप इसे जाकर देख सकते हैं, और आप इस फिल्म को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी गालम ग्लोच कुछ भी नहीं है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही फिल्मी अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉच।